सो हेलो बच्चों पार्टी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वंस अगेन हम आपके लिए लेके आए एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम बात करेंगे, नया क्वेश्चन पेपर, नई वीडियो जिसके अंदर हमारे रहने वाला है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और ये रहने वाला है हमारा थर्ड सेमेस्टर B.Ed वालों का। जो भी बच्चे हमारे B.Ed कर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, ठीक है, यानी जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन सभी बच्चों का ये रहने वाला है हमारा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, टाइम आपके पास 3 घंटे होते हैं। कोड आप देख सकते हो 303, मैक्सिमम 60 मार्क्स का होता है। और ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टाइटल आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। उससे पहले वन मोर इन अनाउंसमेंट ये है कि अगर कोई बच्चा है जिसको स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो उसको एक ही काम करना है, आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, ठीक है। ज़्यादा बात ना करेंगे, आपको इसी प्रकार से सिंपल क्लियर मटेरियल वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक ऐसे डेमो टाइप जो है वो डाल रखा है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे फाइल्स सेक्शन के अंदर फाइल सर्च करो। एंड अगर फिर भी आपको फाइल्स नहीं मिल रही हैं तो आप हमें बता सकते हैं, वहाँ पे नीचे फाइल के नीचे लिखा रखता है कमेंट, ठीक है। तो आप अपनी क्वेरी वहाँ पे रख सकते हैं। सो शुरू करते हैं, आज का हमारा रहने वाला है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। कहता है कि अटैम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, हर एक से आपको 5 के 5 करने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कंपलसरी होगा, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। और बाकी सारे आपको क्या होगा वहाँ पे चॉइस होगी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, कहता है कि नोट, प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए आपको सभी 5 के 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है वो अनिवार्य है, ठीक है, और सभी प्रश्न के इक्वल मार्क्स हैं, यानी 12 मार्क्स का हमारा ए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 4 × 3 = 4 टोटल है हमारे, 3 मार्क्स का ईच होगा, टोटल हमारे 12 मार्क्स हो गए, ठीक है। उसके बाद हमसे ये कहता है कि आपको निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखने हैं आपको, ठीक है। कहता है नीड ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, तो पर्यावरणीय जो शिक्षा है इसकी आवश्यकता क्या है ये आपको बताना है। कंपोनेंट्स क्या है इकोसिस्टम के, आप सबको पता है घटक क्या क्या होते हैं हमारे जो इकोसिस्टम है हमारा, ठीक है। तो आप सबको पता है बायोटिक का बायोटिक, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है इतना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमसे कहते हैं कि लर्निंग टू लिव इन हारमोनी विद नेचर, ठीक है, प्रकृति के साथ समरसता में जीने की विधि सीखना, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको जो है वो अपने विचार देने हैं, क्या है ये, ठीक है। डी पार्ट कहता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो जो वो डिजास्टर आपदा होती है जो, तो इसमें जो हमारे समुदाय हैं इनकी क्या भागीदारी है ये आपको बताना है, ठीक है। भागीदारी कैसे रोल प्ले कर सकते हैं ये, ठीक है। देन आ जाएगा हमारा यूनिट नंबर 1, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे जो आपको दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आपको इनमें से कोई एक करना है, ठीक है। 12 मार्क्स का ईच रहेगा हमारा। कहता है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्यों पर चर्चा करनी है आपको, क्या क्या लक्ष्य हैं हमारे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, उद्देश्य क्या क्या रहते हैं। तो ये आप सबको पता है, ठीक है, प्राइमरी में हम क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, उसमें हमारा मोटिव यही होता है कि बच्चे को जो है वो एनवायरमेंट के रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर करवाना, ठीक है, उसके रिलेटेड जो है वो अवेयरनेस। और लास्ट में सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, बच्चे को हम फील्ड में एक्चुअल जो है वो पार्टिसिपेशन करता है बच्चा, फील्ड में जाके विजिट करता है बच्चा, वहाँ पे चीज़ों को खुद जो है वो एक्सपीरियंस करता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं एक्सप्लेन सोर्सेस अफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है, 4, 4, 4। तो सोर्सेज भी 4 मार्क्स के, इफेक्ट्स भी 4 मार्क्स के, कंट्रोल मेजर भी 4 मार्क्स के, किसके हैं हमारे, वाटर पोल्यूशन के। तो ये हमारा रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ, जो कि हमारी चॉइस है, ये करना है आपको इनमें से। कहता है जल प्रदूषण के स्रोत यानी सोर्सेस क्या हैं, प्रभाव यानी इफेक्ट्स क्या हैं, और नियंत्रण उपायों का स्पष्ट करना है, इसके बारे में आपको बताना है कि कैसे आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप सबको पता है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है ये भी आपको पता है। एंड देन यूनिट नंबर 2, यहाँ से भी अगेन आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे, आपको कोई एक करना है। कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल हजार्ड्स, तो एनवायरमेंटल हजार्ड से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो हजार्ड्स होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी कैलमिटी जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन लाइफ को जो है, जो उसकी डे टू डे लाइफ है, ठीक है, उसको अफेक्ट करे, दैट इज़ हज़ार्ड, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है, इसके आपको काजेज बताने हैं, सरतोत क्या क्या है, अफेक्ट्स क्या है, प्रभाव क्या है एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स के, इनको आपको डिस्कस करना है। तो 12 मार्क्स का है, उसी हिसाब से आपको डिस्कस करना है। यहाँ पे ले रखा है इन्होंने 4 मार्क्स का हमारा ये डेफिनेशन हो जाएगा इसका, 4 मार्क्स के हमारे काजेज हो जाएंगे और 4 मार्क्स के हमारे अफेक्ट्स हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, कहता है ये हिंदी वाले पढ़ लोगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा इसके साथ चॉइस क्वेश्चन नंबर 5, कहता है डिस्क्राइब द काजेज अफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर ऑफ एसिड रेन, अगेन 4 मार्क्स के काजेज होंगे, 4 मार्क्स के इफेक्ट्स होंगे, 4 मार्क्स के काजेज होंगे, सॉरी कंट्रोल मेजर्स होंगे, ठीक है। कहता है कि
तेजाब वर्षा जो होती है इसके कारणों प्रभावों एवं नियंत्रण उपायों का वर्णन करना है आपको, ठीक है। तो एसिड रेन आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि एसिड रेन का पीएच किससे कम होता है, या फिर अगर किसी भी रेन का पीएच जो है इस वैल्यू से कम हो तो वो हमारी एसिड रेन होती है। तो 5.4 पीएच अगर इससे कम है रेन का तो इट मीन्स वो हमारी क्या है, एसिड रेन है, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताओगे दो गैसेस के नाम, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, एसिड रेन के लिए। इसके आपको मुझे नेम कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताने हैं, ठीक है, कि एसिड रेन के लिए कोई दो इन मेन गैसेस होती हैं जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो आप उनके मुझे नाम कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा यूनिट नंबर थर्ड। देखो यहाँ से अगेन आपको दो क्वेश्चन आए होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन एज पर योर चॉइस, ठीक है, जो आपको अच्छे से आता है बस उसको अच्छे से आपको यहाँ पे लिख लेना है। कहता है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी क्या होता है एंड हाउ विल यू कंजर्व इकोसिस्टम डाइवर्सिटी 3-9। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो 9 मार्क्स का है और बायोडाइवर्सिटी हमारा जो है वो 3 मार्क्स का डेफिनेशन। तो देखो इतना आसान क्वेश्चन है ये भी, बायोडाइवर्सिटी मीन्स जीव विविधता जो होती है हमारी, तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कितने प्रकार के हमारे जैविक जो है वो पक्षी पादप हो गए या फिर जीव हो गए वो पाए जाते हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी हो गया हमारा। और इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तो इसमें हमारा इन सीटू एक्स सीटू दोनों आ जाएंगे, ठीक है, तो आप दोनों को अच्छे से लिखोगे। देन आ जाएगा इसके साथ चॉइस, कहता है कि वाई इज़ देयर नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को जो है वो यानी वनों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यक है, क्यों हमें जो है वो वनों को इनका संरक्षण करना बहुत अनिवार्य हो गया है आज के डेट में, ठीक है। डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स जो अब आपको बताने हैं, 12 मार्क्स का हमारा ओवरऑल क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके साथ हमारा आ जाएगा यूनिट नंबर 4। तो यहाँ से अगेन आपको दो क्वेश्चन आए होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन एज पर योर चॉइस, जो आपको अच्छे से आता होगा। कहता है कि हाईलाइट द रोल ऑफ टीचर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जो एक टीचर होता है, शिक्षक होता है, जो इसकी क्या भूमिका है जब जो हमारी आपदा जो होती है कोई आती है, डिजास्टर आता है, ठीक है, तो इसका जब हम क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं यानी मैनेजमेंट करते हैं, तो वहाँ पे क्या रोल होता है हमारा एक शिक्षक का, वो आपको बताना है। फिर आ जाएगा यहाँ पे 9 क्वेश्चन, कहता है ब्रीफली डिस्कस करो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इट्स आउटकम ऑन एजुकेशन, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, देखो डिजास्टर कोई भी ऐसी कैलामिटी, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हज़ार और डिजास्टर में क्या फ़र्क होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओगे, ठीक है। बोलते ना हज़ारडियस सब्सटेंस है, ठीक है, और एक होता है डिजास्टर, ये आप मुझे दोनों कमेंट सेक्शन के अंदर इनका अंतर जो है वो बताओगे एंड इसके परिणाम क्या हैं एजुकेशन में, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो कि हमने आपसे डिस्कस करा ईवीएस का, ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता दिया स्टडी रिलेटेड मटेरियल के लिए आपको कहाँ जाना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है बस अपनी क्वेरी जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा। एंड वंस अगेन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, ठीक है, और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो रही है, तो बस आपको भी हमें मोटिवेट करना है एंड उसके लिए आपको हमारा चैनल कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो कर देना है लाइक, ठीक है, इससे आपका कुछ जाने वाला नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, और मेहनत करिए, ठीक है, सीखिए, ज़िंदगी में सीखना ज़रूरी है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपके 98 मार्क्स आ रहे हैं, 99 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन ये डजंट मैटर कि आप कितने मार्क्स लेकर आ रहे हो। द ओनली थिंग दैट मैटर वो है कि आप कितना ज्ञान जो है वो अर्जित करते हो, हाउ मच नॉलेज आप कितना जो अटेन करते हो नॉलेज को, दैट्स मैटर मोस्ट, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, ठीक है, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।